और इसी के साथ भारत ने श्रीलंका को 67 रनों से हराकर ओडीआई सीरीज का पहला मैच जीत लिया। ये जो मैच था ये रिकॉर्ड्स के नाम रहा, बल्लेबाजों के नाम रहा। सबसे पहला रिकॉर्ड तो कप्तान रोहित शर्मा के नाम बना, जिन्होंने सबसे तेज दुनिया में 7,500 रन एज अ ओपनर बनाए। 57 का उनका एवरेज हो और दुनिया में किसी बल्लेबाज ने इस रफ्तार से नहीं बनाए हैं, तो ये रोहित को लेकर एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि आज वो शतक से चूक गए, लेकिन शतक मार दिया विराट कोहली ने। 73वां इंटरनेशनल शतक था और ये कमाल की इनिंग थी, क्योंकि पिछली इनिंग जो थी उनकी वो भी 113 रन की थी, इस बार भी 113। और एक बार फिर उन्होंने दिखाया कि जब वो फॉर्म में वापसी करते हैं तो चीजें कैसे अलग दिखती हैं और कैसे 2020 के पहले जो नॉर्मल चीजें हुआ करती थी विराट कोहली को लेकर, अब वो फिर से आने लगी है। वैसे विराट कोहली पिछले 2 सालों में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, हमने अपने बहुत सारे सवाल उठाए थे, लेकिन जब वो खेलते हैं तो वो रन बनाते हैं और वो रन लगातार बनाते हैं, थोक के भाव बनाते हैं, जो टीम इंडिया को बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है। इसलिए विराट कोहली का फॉर्म में आना ये अपने आप में शानदार है। इसके साथ ही विराट कोहली ने 12,500 रन बना लिए और वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 12,500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। सचिन तेंदुलकर से बहुत कम पारियां उन्होंने खेली हैं और ये एक कंपटीशन ये भी खड़ा कर रहा है, क्या वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो गए हैं। हालांकि क्या वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, मुझे पर्सनली लगता है कि नहीं तोड़ पाएंगे। सचिन ने वनडे इंटरनेशनल में बहुत रन बनाए और कोहली की एज धीरे धीरे खत्म हो रही है। रिकॉर्ड जो विराट कोहली तोड़ सकते हैं वो है शतकों का। सचिन के पास 49 सेंचुरीज थी 452 मैचेस में, विराट 257 मैचेस में 45वीं सेंचुरी मार चुके हैं। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि 5 शतक और सचिन का जो ये कीर्तिमान है जिसके आसपास दुनिया का कोई बल्लेबाज नहीं है, वो विराट कोहली तोड़ देंगे और सबसे ज्यादा वनडे में शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है वो इनके नाम हो जाएगा। हालांकि 73 शतक ओवरऑल इनके हैं, जो दुनिया में बाकी जितने भी करंट प्लेयर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या वो सचिन का रिकॉर्ड टूटेगा ये थोड़ा सा संशय है। हालांकि विराट कर भी सकते हैं क्योंकि 27 सेंचुरीज, लेकिन 27 सेंचुरीज 2-3 सालों में, क्योंकि ही इज ऑलमोस्ट 34, तो उसमें बड़ा मुश्किल मुझे लगता है। लेकिन देखते हैं, नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन ये जो मैच था ये खास था। अब अगर बात करेंगे आप ओवरऑल 12,500 रन बनाने को लेकर, तो टॉप पर विराट कोहली है एवरेज के मामले में। इसके बाद आते हैं सचिन तेंदुलकर और उसके बाद रिकी पोंटिंग, और इन तीनों को आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में गिनते हैं। तो विराट जिस स्पीड से बढ़े और जो कंपैरिजन में डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, क्या सबसे महान बनाता है? ये सवाल गौतम गंभीर ने कहा नहीं बनाता, क्योंकि जब सचिन खेलते थे तो 5 पैर अंदर नहीं होते थे, फील्ड खुली होती थी, रन बनाना इतना आसान नहीं था, गंभीर का ये कहना है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि तकरीबन 200 पारियों का अगर अंतर दोनों में आ रहा है तो फिर आप कैसे तुलना कर सकते हैं, क्रिकेट बदली है। लेकिन इतना बड़ा गैप भी ये आसान नहीं और ये विराट की महानता को दर्शाता है। अब जहां तक पूरे मैच की बात है, भारत ने 373 रन बनाए और उसके जवाब में श्रीलंका 306/8 रहा। कप्तान शनका जो है उन्होंने कमाल की पारी खेली, लगातार भारत के खिलाफ मानो वो बल्ले से आग उगल रहे हो। हालांकि एक शानदार मोमेंट था मोहम्मद शमी वाला, जहां पर शमी ने आउट किया, फिर रोहित और शमी के बीच में बातें हुई और वो नहीं दोहराया गया इतिहास जो आर अश्विन ने दोहराया था या अभी कुछ दिन पहले जैम्पा ने करने की कोशिश की थी। ये भी अपने आप में एक शानदार मोमेंट था। विराट और रोहित आज दोनों ने फील्डिंग खराब की, कैचेस छोड़े, रोहित की बल्लेबाजी अच्छी थी, शुभमन ने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन केएल राहुल क्या स्काई की जगह खेलना सही था? मतलब मैं अभी भी मानता हूं कि लोअर ऑर्डर में टीम इंडिया ने रन कम बनाए, हार्दिक से रन नहीं बने, अक्षर ने भी रन नहीं बनाए, केएल राहुल और बना सकते थे। स्काई मुझे लगता है कि वो उस ऑर्डर में एक बहुत जरूरी प्लेयर है, क्योंकि T20 के लिहाज से आखिर में कुछ गेंदें खेलनी होती थी और वो मैच का रुख पलट सकते थे। भारत की गेंदबाजी की बात करें तो उमरान मलिक शानदार गेंदबाज, 3 विकेट निकाले। हालांकि आखिरी में शनुका ने उनकी बड़ी धुनाई की और शनुका ऐसा लग रहा है कि उमरान के पीछे पड़े। उमरान जितनी तेज गेंद फेंकते हैं वो उतना लंबा उन्हें शॉट मारते हैं और ज्यादा पीटने लगते हैं, तो ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग है कि शनुका को उमरान उतनी क्यों पसंद है। सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की, मजा आया। चहल की पिटाई काफी ज्यादा हुई, चहल की जगह क्या कुलदीप को खेलना चाहिए? मुझे लगता है कि खिला सकते हैं आप। अक्षर पटेल ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की, शमी भी ठीक ठाक रहे, लेकिन आज गेंदबाजी सिराज चादर की, उमरान के विकेट मिले और मैच जो था वो अच्छा था, लेकिन कुछ अभी कमियां हैं और ये दूर होनी चाहिए।